हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सबका फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ठीक है, पिछले केसेस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज था, इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो लेंस कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, वैसे ही मिरर कॉन्केव भी मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स भी मिरर हो सकता है। तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से किस तरह से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, और किस तरह से इमेज बनती है, और कैसे हम इमेज लोकेट करते हैं, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ईजी क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसका रे डायग्राम है। इसमें क्या दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इसके राइट में 30 सेंटीमीटर में एक मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, और इसके लेफ्ट साइड, लेंस के लेफ्ट साइड 40 सेंटीमीटर में एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ पे क्या है, एक तो लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे फिर आएंगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो आपको वो फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। आई बस समझ में? तो देखिए सबसे पहले हम लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे। ये जो लेंस है इसके लिए हम जब लेंस फार्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस तरह से लिखेंगे। f की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 है, कॉन्वेक्स लेंस है, v निकालना है, और जो u है ये देखिए माइनस 40 होगा ये। ठीक है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे होगा, इधर से इधर माइनस 40। अब v की जो वैल्यू है 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40 हो जाएगा, और 1/v इज इक्वल टू 40, 2 माइनस 1, 1/40। तो जो v की वैल्यू आ रही है इज कम आउट टू बी 40 सेंटीमीटर, और ये प्लस में है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं लेंस के लिए, तो जो v जो आ रहा है वो 40 सेंटीमीटर ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है। और किस केस में होता है, हमने लेंस में पढ़ा है डिफरेंट केसेस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 2f, इमेज इज फॉर्मड एट द 2f, मतलब यहाँ से यहाँ पे 2f, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो देखिए फोकल लेंथ 20 है और उसका ट्वाइस हो गया 40, तो यहाँ पे 40 पे है, तो इस तरफ भी 40 पे बनेगा। अब इधर 40 किधर आएगा, देखिए यहाँ से मिरर तक तो 30 है, मिरर से पीछे और 10 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे, ये 10 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे, तो यहाँ इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज आ रही है, और ये क्या करता है, कन्वर्जिंग टाइप लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा इस पॉइंट पे। तो ये जो रेज है इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये रेज यहाँ तक आ नहीं पाएंगी क्योंकि बीच में मिरर आ गया है। तो मिरर क्या करेगा, इसको यहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा ये रेज को। ये कन्वर्जिंग रेज है, ये रेज इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी पीछे की तरफ, और यहाँ आके मिलेंगी रेज। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इमेज, ये बनना था इससे अगर ये मिरर नहीं होता, लेकिन मिरर हो गया तो ये रेस यहीं से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इमेज बनाएंगी। तो ये इमेज किस पोजीशन पे बनेगा, तो अब आप प्लेन लेंस प्लेन मिरर के केस में याद करिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस होगा। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रेस यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। ठीक है, इट इज अपियरिंग, इट इज कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ और इसका ये रियल इमेज बनेगा, ये है रियल इमेज, और यहां से यहां 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यानी इस लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और मिरर से पीछे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसका फाइनल इमेज बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया है 4 डायोप्टर। लेंस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस से लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस लेंस, इस कॉन्वेक्स मिरर को हमने ऐसे रखा है कि जो रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है लेंस से और इस पर टकरा रही है मिरर पे। ठीक है, ये रे टकरा रही मिरर पे और फिर वापस
इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस इस ऑब्जेक्ट के पास आ रही है। ठीक है, हमने इसको ऐसे एडजस्ट किया है लेंस और मिरर को कि ये जो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है इससे टकरा के वापस इसी ऑब्जेक्ट के पास आ रही है हर तरफ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज रिफ्लेक्शन और साथ में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे फाइनल इमेज बन रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकल लेंथ क्या है, ये आपको निकालना है। आई बात समझ में? तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए, तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करें, तो ये जो रे आ रही है, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, इसको हम अगर पीछे एक्सटेंड कर दें, पीछे एक्सटेंड कर दें ऐसे इधर, और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दें, तो इस पॉइंट पे देखिए, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनता। ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी मान लेते हैं, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये मान लेंगे एक्स। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ फॉलो कर रही है, तो ये आप स्पेरिकल मिरर के केस में ध्यान कीजिएगा, जब ये इंसिडेंट रे इट इज कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका ये मतलब है इस कॉन्वेक्स मिरर का ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको हम सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि आपको यहां से यहां का डिस्टेंस मिल गया तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा और उसका हाफ होगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको यहां से यहां का डिस्टेंस आपको पता करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेंस के लिए हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, और कैसे लगाएंगे, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू। ठीक है, इस लेंस के लिए हमने लगाया लेंस फॉर्मूला, और फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, एफ इज इक्वल टू 1 बाय पी, और पी दिया है 4, और इसको आप कन्वर्ट करोगे पॉइंट में तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर में, और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो 1/25 हो गया, v निकालना है, और u दिया है देखिए ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे, और ये माइनस 30 होगा तो इसको हम प्लस बना देते हैं। अब ये भी आसानी से निकाला जा सकता है, तो v कितना हो गया, 1/25 माइनस 1/30। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो v की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 150 सेंटीमीटर, मतलब इस लेंस से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है 150। अब देखिए लेंस और मिरर के बीच में तो ऑलरेडी 50 है, इसका मतलब मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 100। ठीक है, मतलब जो x है ये है 100 और सेंटीमीटर, और यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100/20 एंड विच इज इक्वल टू, ये मिरर का है तो एफ एम कर दे रहा हूँ मैं, विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये प्लस 50 आ रहा है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर होता माइनस 50 आता, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव मिरर है। आप ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव मिरर है, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये 50 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज एफ एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और मिरर के लिए एफ एम फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर, ये ध्यान रखना, इनके बीच का सेपरेशन 50 है। तो अगर पैरेलल इंसिडेंट रे अगर लेंस पे आएंगी तो पहले इससे रिफ्रैक्ट होंगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर बनेगा फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज का पोजीशन क्या है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस पे आएंगी तो वो कहाँ, फोकस पे कन्वर्ज होंगी, तो फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो सारी रे इधर आके कन्वर्ज हो जाएंगी, तो इधर बनेगा इमेज बाय दिस लेंस, तो इसको हम बोल रहे हैं I1। ठीक है, इस लेंस के द्वारा जो भी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पैरेलल रेज आ रही है, इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनेगा इसके फोकस पे I1 पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस
कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है 20 सेंटीमीटर पे पहला इमेज बना। अब देखिए अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से मिरर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 30 होगा, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल सेपरेशन 50 है। अब ये जो इमेज है फर्स्ट लेंस का, सेकंड जो मिरर है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इससे रिफ्लेक्ट होके फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे ये जो है ये U दिया है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर दिया है और आपको V निकालना है बस। फॉर्मूला ऑफ मिरर के लिए ये है 1/FM इज इक्वल टू 1/V + 1/U। यहाँ पे FM है मिरर का, कैसा मिरर है ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसा होगा देखिए, ये है कॉनकेव मिरर और ये बात ध्यान रखिएगा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ FM की जगह लिखेंगे -10। फिर V निकालना है और यहाँ पे जो U है, U देखिए माइनस में -30 है तो यहाँ हम लिख रहे हैं -30। अब इसकी V की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/30 -1/10 और 30 LCM हो गया तो 1-3 -2/30, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो V की जो वैल्यू आएगी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इस मिरर से लेफ्ट साइड में यहाँ 15 सेंटीमीटर पे जो है इस ऑब्जेक्ट का जो इन्फिनिटी में है वो फाइनल इमेज यहाँ बनेगा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रे डायग्राम है, यहाँ पे है एक कॉनकेव लेंस और एक कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है कॉनकेव लेंस का और कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया 5 सेंटीमीटर। लेंस और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर और लेंस से लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो डिस्टेंस है नहीं मालूम है, ठीक है। और यही डिस्टेंस हमें निकालना है और कंडीशन क्या दी है, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे रेज निकलेंगी इंसिडेंट रे और इससे रिफ्रैक्ट होंगी लेंस से। ये लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है और ये डाइवर्जिंग टाइप लेंस है तो यहाँ से डाइवर्ज करेगा, फैल जाएंगी ये, तो ये इस तरह से डाइवर्ज कर देगा रेज को और ये रेज आगे तो मिलेंगे नहीं कहीं, तो इसको अगर पीछे आप एक्सटेंड कर देंगे तो पीछे यहाँ पे आके मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ तो बनेगा इसका इमेज, तो यदि इस लेंस के लिए अब हम फॉर्मूला लगाएं तो 1/FL इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। F दिया है देखिए कॉनकेव लेंस है तो ये तो हो गया -10 फोकल लेंथ, V निकालना है और U जो है ये तो दिया ही नहीं है, तब क्या करें देखिए, V भी नहीं दिया है और U भी नहीं दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो लाइट आ रही है मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डायरेक्शन में आ रही है, फिर ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डायरेक्शन में इस पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल इमेज यही बन रहा है, जहां ऑब्जेक्ट है फाइनल इमेज वहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि आपको ये जो यू है इस ऑब्जेक्ट का पोजिशन निकालना है। तो अब आप ध्यान कीजिए इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर किस कंडीशन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ फॉलो करती है, जब वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाए। यदि इस रे को जो हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ जाएगी, ये जो पॉइंट होगा इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बस समझ में, तो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मिरर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए इधर से इधर का डिस्टेंस, सॉरी ये जो फोकल लेंथ जो दिया है मिरर का ये दिया है 5 सेंटीमीटर और मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है विच इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो वो होगा 10। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिरर और लेंस का डिस्टेंस ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है ये लेंस और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ जो है टोटल जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 10। तो इसका मतलब लेंस के लिए ये जो इमेज बन रहा है ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू है ये होगी 5 और साइन क्या होगा, इसका साइन होगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इसके लिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो हमको क्या मिलेगा,
वन बाय माइनस टेन, वन बाय माइनस फाइव, माइनस वन बाय यू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय टेन माइनस वन बाय फाइव, और दिस कम्स आउट टू बी वन बाय यू इक्वल टू टेन, वन माइनस टू माइनस वन बाय टेन, और यू आ रहा है माइनस टेन सेंटीमीटर। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये यू की वैल्यू आ रही है माइनस टेन सेंटीमीटर आ रही है। माइनस टेन सेंटीमीटर का मतलब इस लेंस से यहाँ, तो ये जो इमेज बन रहा है इमेज से 5 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे या लेंस से 10 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई होप अब आपको सारे जो डाउट्स जो होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप और कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।